नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का मेरा अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर, ललित कर्पूरी स्टेडियम में मैं मौजूद हूं। यहां आज अंडर 16 चैलेंजर्स ट्रॉफी फाइनल मैच का आयोजन हुआ है। मधुबनी जिला की अंडर 16 में उमगांव की टीम जीती है। उन्होंने मधुबनी की टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। उत्साह से लवरेज ये माहौल चल रहा है। छोटे बच्चों के बीच क्रिकेट मैच का यह आयोजन, अंडर 16 का यह आयोजन बता रहा है कि झंझारपुर जैसे जगहों पर भी क्रिकेट को लोग किस हद तक देख रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार लोग वहां पर मौजूद हैं। आइए मैं आपको मिलवाता हूं उमगांव के विजेता टीम के कैप्टन से। जीत के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं इस फील्ड पर? आयोजक की व्यवस्था कैसी थी? अच्छी थी और बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा फील्ड भी अच्छा है। आप अपनी टीम के में जीत का श्रेय किन किन खिलाड़ियों को विशेष रूप से देना चाहते हैं? सचिन हुआ, माननीय सबको देना चाहते हैं, सब मिलाए किए हैं। अच्छा, टूर्नामेंट में जब से आपने खेल की शुरुआत की तब से आपका प्रदर्शन निखरता जा रहा है, यह सभी लोगों का कहना है। क्या इस टूर्नामेंट में कभी आपको ऐसा लगा कि हम इस टूर्नामेंट को लूज भी कर सकते हैं या सभी दिन जीत का विश्वास था? सर नहीं, ऐसा नहीं लगा, लेकिन सभी दिन जीतना चाहते थे और जीत लिए। आपके टीम के मैन ऑफ द मैच, आप ही के टीम के खिलाड़ी को मिला है मैन ऑफ द मैच, क्या नाम हुआ आपका? सुभाष कुमार सोनी। क्या था आपका प्रदर्शन आज? बॉलिंग, बेस्ट बॉलिंग का प्रदर्शन था। मैन ऑफ द मैच आज के फाइनल मैच में रहे जी, कैसा महसूस कर रहे हैं जीत के बाद? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी दर्शक लोग हम लोगों को सपोर्ट किया, इस वजह से हम लोग जीते भी। आप इस फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं, आप क्रिकेट की दुनिया में और कहाँ तक जाने का लक्ष्य ले रहे हैं? देखिए, ऐसे कह तो नहीं सकते, लेकिन आप इससे ऊपर जहाँ तक खेल सकते तो इस कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ अच्छी हो जाता है, इसलिए ऊपर भी खेलना चाहते हैं। खेल के साथ पढ़ाई लिखाई भी चल रही है जी? किस क्लास में पढ़ रहे हैं? इंटर में पढ़ रहे हैं। इंटर में कहाँ पर? क्या कहते हैं, दीनदयाल प्लस टू उच्च विद्यालय उमगांव। उमगांव में जी पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद सारी टीम को। और मैं आपको मधुबनी क्रिकेट क्लब, ये किस टीम के हैं? विनिंग टीम के हैं। आइए इधर आइए, एक नन्हे खिलाड़ी विनिंग टीम के हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाता हूं। क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार। क्या करते हैं, बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग। बैटिंग करते हैं। फाइनल में आपने खेला था? नहीं, नहीं खेला था। आपकी टीम की को जीत का कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन से खेल रहे हैं? एक साल से। लिटिल मास्टर? हाँ। और अपनी टीम के कोच? सरोज सर। अब तक आप इस फील्ड पर कितना मैच खेल चुके हैं? मैच नहीं खेले, फील्डिंग किए हैं दो मैच में फील्डिंग किए हैं। ठीक, धन्यवाद। आपने देखा कि आज के फाइनल मैच जो उमगांव और फुलपरास अरुणी क्रिकेट के बीच थी, जिसमें मधुबनी उमगांव की टीम विजय हुई है और SDPO ने विजेता टीम को शील्ड दिया है। विभिन्न प्रकार के शील्ड प्रतियोगिता दिए गए हैं। झंझारपुर टाइगर्स द्वारा यह टूर्नामेंट का आयोजन था और आयोजकों ने बताया है कि इस टूर्नामेंट से और आगे भी बहुत सारी उम्मीदें जगेगी और लोगों को, बच्चों को क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस ग्राउंड से कोई एक ऐसा भी बच्चा आगे निकले जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारी तरफ से शुभकामना और धन्यवाद कि उन्होंने हमको भी इस टीम का हिस्सा बनाया। और सर्वप्रथम दोनों टीम को बधाई, हमारे छोटे छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे थोड़ी देर देखने का भी मौका मिला, कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई, तो इसलिए पहले दोनों टीम को बधाई। और विजयी तो सिर्फ एक ही टीम को होगा, इसलिए विजयी टीम को तो बधाई के साथ साथ उनके जो पैदल चला है टीम, उनको भी बधाई, इसलिए कि वो हार, इनका जो खिलाड़ियों का जज्बा होता है वो हार कभी हार के रूप में स्वीकार नहीं करता। आने वाले कल के लिए वो एक इंस्पिरेशन होता है कि फिर नेक्स्ट मैच में उतने उत्साह से हम लोग फिर अपने खेल का रूप बदलेंगे और फिर विजयी होंगे।
तो यह हार जीत एक बस खेल का सबब है, लेकिन दोनों टीम का जो भी जज्बा है, जो भी उत्साह है, हमारे टीनेजर बच्चे, हमारे टीनेजर छोटे भाई जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और आजकल का जमाना में खेल का भी इतना बढ़िया स्कोप है। अभी हम जस्ट चर्चा कर रहे थे कि हमारे समय जब हम लोग बचपन में हुआ करते थे तो उस समय पिटाई भी होती थी, खेल पर ज़्यादा ध्यान देने से, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और यदि आप इस समय खेल के आवर से थोड़ा दिन भी डिले हो गए तो फिर हमारे टीचर जो होम ट्यूटर होते थे या फिर स्कूल में कुछ डांस पूरा नहीं हो पाया तो फिर पिटाई भी होती थी। आज के दौर में गार्जियन भी इस बात को समझते हैं कि खेल में भी काफ़ी स्कोप है, और जहाँ तक मेरी सोच है तो मैं मानता हूँ कि हमारे तन और मन दोनों के लिए यह एक टॉनिक है। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो मानसिक स्तर पर भी हम स्वस्थ रहते हैं। निस्संदेह यह बिल्कुल यह परंपरा आगे बढ़ रही है, कई सारे हमारे समाज के बच्चे अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और हमारे गार्जियन की भी सहमति इसमें मिल गई। आने वाले भविष्य आपका काफ़ी उज्ज्वल है। हमारे प्रश्न बात करो तो हमारे पास कोई समय की पाबंदी होती है, नहीं तो फिटनेस सब लोग चाहते हैं। आप फिटनेस के लिए फिटनेस इतने ऐप डाउनलोड लोग कर रहे हैं, इतने सारे ऐप क्रिएट हो गए, इतने सारे न्यूज हैं जिसमें फिटनेस के प्रति बताई जाती है, और जो हमारा ट्रेडिशनल है खेल कूद तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो इससे बढ़िया फिटनेस जो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया फिटनेस नहीं हो सकता है कि आप इसके थ्रू अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखें। इसलिए आने वाले कल के लिए आप लोग को ढेर सारी बधाई, आपके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, और मेरी यह कोशिश होगी जब भी मौका मिलेगा और आपके तरफ से इस तरह से इन्वाइट होगा, मैं अपने व्यस्त जो भी मेरा पुलिसिंग का कार्यक्रम रहता है या जो भी रूटीन रहती है उसकी कोशिश करूँगा कि मैं अपने छोटे छोटे भाइयों को भी चाह करके अपने बचपन की याद करता कर सकता। थैंक यू। आप ही गए थे हमारे पास। और कुछ ही थोड़े बाद 16